नेतन्याहू ने फोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो। पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पश्चिम एशिया के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव जारी है और इस बीच पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग ली। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में, क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। तो ऐसा ही नजर आ रहा था कि इंडिया इस वक्त भरपूर साथ देगा इसराइल के माहौल में ना, इतनी तलखी में एक कॉल जनाब आ रही, पूरी दुनिया छोड़ के एक कॉल आ रही है नेतन्याहू को। ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इसराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इसराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। भारत और इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत खुलकर सामने आ गया है। 27 टन धमाका खेज मवाद से लैस माल बरदार जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुवत भी फराहम कर रहा है। मुल्क है ये तो आएंगे आगे, ये पाकिस्तान थोड़ा अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफर है, काफरों की काफर मदद करें। एंड दिस इज वन शिप, nobody knows how many more ships, ठीक है। और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में, क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफर मुल्क है ये तो आएंगे आगे, ये पाकिस्तान थोड़ा अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफर है, काफरों की काफर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि जो नया आएगा उधर कोई मुसलमान वजीर आजम बनेगा? आप ही बता दें बनेगा कोई? इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सियासतदान हैं जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं, रखते हैं। सिख है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो दूसरे नहीं करते हिंदू। हम ये बात कर रहे हैं कि इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के साथ जो है वो और 32 ममालिक से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद को आए। उन्होंने दो जो है वो मदद मांगी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो है दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए, दूसरा उनके जो रेवोल्यूशन गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम जो है डिक्लेयर किया जाए। आपको लगता है इंडिया ये करने में इसराइल की मदद करेगा? जी मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये ना एक आर्मी मसला है और इस पर नेगोशिएशन ही होगी, मसला ये हल ही हो जाएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया उनकी मदद। और इंडिया और इसराइल जो हैं वो आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो भी कर रहे हैं और इंडिया को इसराइल ड्रोन्स भी सप्लाई करता है। सो मुझे ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो। और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं हमास हिजबुल्ला होतीस तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड को हो रहा है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि स्पेनिश कोस्ट के ऊपर इंडिया की जो लंगर अंदाज होना चाहती थी एक शिप, ठीक है जी, और सुनने में आता है कि शायद वहाँ पे लोगों को पता था, तो उस पोर्ट पे जो बहुत सारे जो शायद जो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लगे हुए थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि इस शिप को इंस्पेक्शन करें क्योंकि इसमें वेपन्स जा रहे हैं इसराइल, ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि वो जो स्पेनिश सदर है उनसे पूछें कि उसको वहाँ पे डॉक ना होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये शिप जो है इसके अंदर वेपन्स हैं और ये वेपन्स सारे के सारे इसराइल जा रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, इससे पहले के कहा जाता है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती तो वो जो शिप थी वो जो वेसल थी वो वहाँ से वैसे निकल गई और वो फिर आई थिंक स्लोवेनिया में चली गई, वहाँ पे निकल गई, पहले आगे निकल गई वो। सो ये आप देखें कि ये एक एंड दिस इज अ वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स,
ठीक है। और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको, छोटे ममालिक जिनको इंडिया ये कहता है कि हम वेपन्स बेचना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर बेचना चाहते हैं, हम चीजें बेचना चाहते हैं, हमसे लें आप। बिकॉज जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो, उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिखाना भी तो है मीडिया के सामने, चीजें भी तो लेके आनी है कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देखो आप फिलिपाइन को हमने जो है वो बेच दिए। शायद इजरायली वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं, और वो एक एक लाइन में तो होगी मुबारकबाद। आगे जो सारी डिस्कशन है वो सारी की सारी ये है कि जो सिचुएशन है उसमें वेपन्स दिए जाएं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हालात को डीएस्केलेट करें। डीएस्केलेट किसने करने हैं? इसराइल ने, तो इसराइल को ही वो कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने इसराइल की हमायत में एक जुमला बोल दिया कि भाई जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, उनको ये कह रहे हैं कि हमास को ये करना चाहिए, जबकि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इसराइल को, और हमास को ये कह रहा है कि आप इसराइल के जो बंदे हैं वो छोड़ें, वो जो होस्टेजेस हैं वो छोड़ें। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचे गजा के लोगों को, और डायलॉग और डिप्लोमेसी को रास्ता दिया जाए। और ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इसराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इसराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मैनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर थ्री या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और इंसानों को चल रहा बॉस क्या नहीं चल रहा, वर्ल्ड वॉर की आर में बड़ा कुछ करते जा अच्छा, रहे हैं। अच्छा ये भी है ना, जंग हो जाए मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है मेरा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटम पावर नहीं है। हाँ है बिल्कुल है, फिर की चीज क्या अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है, अच्छा ठीक है ना, और जो ये काफर है ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता, हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर बंद करने के बाद बावजूद, ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं।